नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महिलाओं को लेकर अभी भी देश महफूज नहीं हो पाया। अभी भी बच्चियां, महिलाएं घर से अकेले निकलने में डर महसूस करती हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई उन पर हमला ना कर दे। लेकिन इन मामलों में बच्चियां क्या करें, कैसे छोटी छोटी बच्चियां खुद को इस कृत्य से बचाएं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में अभी हाल ही में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को गढ़ा गया और न्याय न मिलने तक मामले के शांत होने की उम्मीद भी नहीं है। वारदात के बाद से हर दिन प्रदर्शन और आगजनी हो रही है। घाटी में उबाल कुछ इस तरह का है कि अब कॉलेज के छात्रों और सुरक्षा बलों में भिड़ंत हो गई। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज के छात्र मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र कॉलेज कैंपस से बाहर आकर अपना विरोध जताना चाहते थे, लेकिन जब बाहर खड़े सुरक्षा बलों की वजह से छात्र बाहर नहीं आ पाए तो छात्रों ने कॉलेज कैंपस में से ही बाहर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके अलावा छात्रों ने झड़प के दौरान कुर्सियां फेंकी और तोड़ी भी। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई में इस जघन्य अपराध के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नया टीवीएस रेडियो जियो बुलंद, बढ़ो बुलंद। श्रीनगर की ज्यादातर जगहों को बंद कर दिया गया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। माना जा रहा है कि करीब 47 सुरक्षा बलों को विरोध के चलते अब तक चोटें आ चुकी हैं। कैंडल मार्च भी निकाला जा चुका है। सबसे ज्यादा विरोध मिरगुंड, चैनाबल, हरनाथ, सिंहपुरा, झील ब्रिज, कृपालपुरा पई और हांजीवेरा इलाकों में देखी गई, जिसके बाद उपायुक्त बांदीपोरा ने लोगों को समझाया बुझाया, आश्वस्त किया गया कि 14 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक ट्रायल पूरा हो जाएगा और दोषी को कड़ी सजा के लिए भी आश्वस्त किया गया। बता दें कि 3 साल की बच्ची को टॉफी के बहाने स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर रेप करने वाले युवक को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विशेष जांच दल को फास्ट ट्रैक कोर्ट आधार पर मामले की जांच पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही आरोपी युवक की गलत उम्र बताने वाले प्रिंसिपल को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन कब मिलेगा पीड़ित मासूम को न्याय, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि न्याय न मिलने तक घाटी में शांति की उम्मीद करना गलत ही होगा। जम्मू कश्मीर की जनता में मामले को लेकर लगातार आ रहे उबाल को लेकर अब पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि मामले में पीड़ित मासूम को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। साथ ही आरोपी की सजा इतनी कड़ी हो कि फिर कोई ऐसा जघन्य अपराध करने की हिमाकत तक ना कर सके।